डर तो मुझे भी लग रहा था, से ना दिल जैसे वहीं रह गया हो। वो गए थे ना तो वो कहते थे ये भी नहीं लेके जाना, अल्लाह किसी किस्म का कोई गेट नहीं। पहले पाकिस्तान गए, वो होटल की बुकिंग भी खुद की हुई थी, उधर वो पुलिस वाले आए, उन्होंने ना काफी रौनक लगाई हुई थी, मर के वो कवर के अंदर चला गया, लेकिन टिकट कैसे अप्लाई की ये चीज चाहती थी मैं कि हम पाकिस्तान में इस तरह का घाट ले सकेंगे। Assalamualaikum, it's me from Life Journey with me, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दिल आज हम बाहर क्यों निकले? घर में बैठ बैठ के बोर हो जाता है तो इसलिए मैंने कहा कुछ वक्त बाहर गुजार ले। और जब से सऊदी अरब से आए हैं ना तो वाकई यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात है, ऐसे ना दिल जैसे वहीं रह गया हो। हमारी जो मक्का की जर्नी है ना बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो जिसने भी हमें दुआ करने के लिए कहा है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं है कि किसी ने कहा हो और हम जो है वहाँ जाकर भूल गए, सब याद रहा। और जिसने भी कहा था, चाहे वो मेरी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं, चाहे वो मेरे फैमिली हैं, जो किसी ने भी मुझसे कहा ना दुआ करने का, उन सबको याद रखा और वहाँ पर अच्छे तरीके से दुआ मांग पाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये तो बात है ना, और इनका सबूत जो है मेरे हस्बैंड के पास है, क्योंकि बकायदा मैं इनको भी बताया हुआ था और इनसे पूछ के, कभी अगर मुझे भूल जाता था तो फिर मैं इनसे पूछ लेती थी कि कौन कौन रह गया, और बकायदा आवाज़ में जो है वो हमने जो है दुआ की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। पहले तो हमें इतनी टेंशन थी ना कि पता नहीं हम नारे से एयरपोर्ट पर क्या चेक करना है, क्योंकि हमने ना वीज़ा भी खुद अप्लाई किया हुआ था और जो है वो होटल की बुकिंग भी खुद की हुई थी, ऊपर से हमें जो हमारा जो एयरपोर्ट पर स्टे था उसमें हमें पता ही नहीं था कि हमारा जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पर ही उनके पास ही रहेगा या फिर जो है वो हम साथ ले जाएंगे। तो जब हमने वीज़ा अप्लाई किया तो बाद में हमें पता चला कि उन्होंने जो है वो उमरा करने के लिए एक परमिट रखा हुआ है, उसके लिए कोई ऐप थी वो डाउनलोड करनी थी, उस पर फिर परमिशन नहीं आ रही थी, बड़ी टेंशन बनी रही जी। बिल्कुल वेल नहीं, अम्मी अबू गए थे ना तो वो कहते थे ये भी नहीं लेके जाना, ये भी नहीं लेके जाना, पर हमारे साथ ऐसा वैसे कुछ नहीं हुआ। हाँ हमारा उन्होंने कुछ भी नहीं चेक किया। असल में हमारी जो पूरी जर्नी थी वो शुरू यहाँ से हुई कि पहले हम स्पेन से, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ से हम जो है पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से हम जो है वो सऊदीया गए, वहाँ उमरा किया और फिर वहाँ से वापस जो है वो स्पेन आए। हमने जो एयरलाइन यूज़ की वो सऊदी एयरलाइन यूज़ की, बहुत अच्छी एयरलाइन थी, सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी और फूड भी बहुत अच्छा था। हाँ मतलब कह लें कि उन्होंने ना काफ़ी रौनक लगाई हुई थी जहाज़ में, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ना कुछ खाने के लिए ले ही आते थे, और कुछ ना से तो कोई कोल्ड ड्रिंक तो आ ही जाती थी, फिर कभी कॉफ़ी आ जाती थी, वो अलग बात है टेस्ट नहीं था कॉफ़ी का, मुझे तो नहीं लगा था इन्हें बहुत ये पी रहे थे। कभी जो है वो उनके पास एक कावा सा था साथ, उसके उन्होंने बगैर गुठली के खजूर दी, तो वो भी बड़ी मज़े की थी, मतलब डिफरेंट थी। फिर इसके अलावा जो केक उन्होंने जहाज़ में दिया है ना, वैसे तो मेरा दिल होता था मैं इनका भी केक खा जाऊं और ये फिर मेरे लिए छोड़ भी देते थे। इस ट्रिप की खास बात ये है कि हमारे पास जो टिकट एक थी स्पेन से पाकिस्तान आने जाने की, और इस दौरान जो है वो हमने सऊदीया में स्टे रखा और वहाँ पर उमरा भी किया, यानी कि एक टिकट और दो कंट्रीज़ के हमने विज़िट कर लिया। सऊदीया में एंट्री के लिए एंट्री वीज़ा लेना था, जो कि हमने वीज़ा अप्लाई किया और उसके मेल के ज़रिए हमने किया जी, मेल के ज़रिए। वो प्रोसीजर होता है जैसे ही हम टिकट अप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ तो उसी में ही आप वीज़ा भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि वो ऑप्शन जब उमरे की वो आती है ना तो उसमें पूछते हैं कि हमसे कि कितने दिन उधर स्टे करना है, मैक्सिमम आप 5 दिन कर सकते हो और कम से कम आप 1 दिन कर सकते हो। स्टे के मुताबिक ना टिकट की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, आपने अगर 5 दिन स्टे करना है तो वो टिकट जो होगी वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, मतलब 20-25 यूरो का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो इसी तरह फिर ये लगता है हमारी तरफ आ रहा है, चलो कोई नहीं आप अपने ध्यान काम करो। होला बनस तरदेस के पर टेमा दे सेगुरिदा नो पोडे ग्रावर आ नो नो सारे से पर टेमा दे ला क्वार्टर ला मिनट मिनट हां क्या हुआ? वो कहते हैं इधर गवर्नमेंट का आधार है और वीडियो नहीं बना सकते आप। जहाँ पर बैठकर वीडियो बना रहे थे ना उधर वो पुलिस वाले आए और वो कहते हैं कि ना यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, इधर ना गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। तो अब वहाँ से हम उठ गए हैं।
तो इतने जज्बाती होकर हम अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे थे, तो हमारे साथ ये हुआ है, हम किसी नई जगह ही जा रहे हैं, ये भी कब्रिस्तान ही लग रहा है मुझे। हाँ लग नहीं रहा है। ये तो व्यूअर्स जैसा कि ना ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, यानी कि ये जो एक कब्र है ना, इसके अंदर 4 लोग दफन है, तो इसमें 2 लोग दफन है। हर कब्र के ऊपर ही ये इन्होंने ये लटकाए हुए हैं। इसके ऊपर छोटा क्यों लटकाया? इसके ऊपर उसके पास पैसे कम थे। देखो, इसके ऊपर बड़ा लटकाया हुआ है, इसके ऊपर ये दरमियान में लड़की की कब्र है, ये जी छोटी लटकाई हुई है, इसलिए शायद नहीं, लड़के की है। नीचे तो लड़का है, आजाओ पता नहीं फिर ऊपर लड़की क्यों लटकाई है। आप। ये कह रहे हैं याशी वाला होना है, तो नहीं उसने मर के वो कबर के अंदर चला गया, लेकिन ऊपर जो है ना उसने लड़की की तस्वीर लगा ली। अंधेरा हो रहा, निकलो निकलो। हाँ बहू। और जैसे विरासत में नहीं कोई चीज मिलती, इस तरह से इनको कब्र विरासत में मिलती है, एक ही कब्र में सारी की सारी फैमिली ही इकट्ठी हो जाती है। अदील, तो पुलिस वाले ने हमारी कहाँ पर बात स्टॉप करवा दी थी? जब हम टिकट के बारे में बता रहे थे कि हमने किया था 3 दिन का, तो तकरीबन 20 यूरो हमारे ना एक्स्ट्रा चार्ज हुए थे। ये 20 यूरो वीज़ा फीस नहीं है, उधर स्टे करने के जो सहूलत उन्होंने दी है, हाँ ये उसके वो पैसे काट रहे हैं। मैक्सिमम आप 5 दिन का स्टे कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, वीज़ा कैसे अप्लाई किया, टिकट कैसे अप्लाई की, टिकट ऑनलाइन खरीदी, किसी एजेंसी के ज़रिए खरीदी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। वैसे तो हम डर गए थे, कैमरे में ही पता चलेगा कौन ज्यादा डर है। जैसे वो कुत्ते हमारी तरह दौड़ते हुए आ रहे थे ना, आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते हमें कितना डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हम बोल रहे थे। दो कुत्ते थे और वो मेरा ख्याल है कैमरे में भी आए होंगे, और वो सीधा हमारी तरफ ही दौड़ते हुए आ रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मेरी सोच ना पैसों की तरफ जा रही थी। अगर इन्होंने वहां मुझे काटा या इससे काटा, तो इनको इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान में इस तरह का घात ले सकेंगे। अब पाकिस्तान में घर लेने के लिए हम कटवा तो नहीं सकते। वैसे आधा कसम से यकीन ना मेरा होना, मैं इनका ये क्या हो क्या रहा है, दोनों की बहुत ज्यादा स्पीड थी और जी दोनों हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और मुंह खोले। एजेंट कम से कम 300 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और खुद अप्लाई करने का बड़ा फायदा है, आप अपनी मर्जी से जो होटल है वो बुक कर सकते हो, वो जो हमें पैकेजेस देते हैं हमारा काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने अपना तो कमीशन रखना ही है, तो बजाय ये कि हम उनको जो एक्स्ट्रा कमीशन दें, तो बेहतर नहीं है कि एक प्रोसीजर जो है वो सारा वो ही हम सीख लें। आज याद बड़ी आ रही थी, कह लें सऊदी अरब की, तो हम ऐसे ही बातें करते करते निकले हैं, तो आपके साथ भी ये सारी बातें शेयर कर ली हैं। ऐसे जैसे जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम ना दोबारा उस वक्त में जी रहे हैं, हमारा सारा वो जो वक्त है ना वो जैसे रिकॉल नहीं हो रहा होता, इस तरह से हो रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ओए ये देखें यहाँ से जो सूरज का व्यू आ रहा है, क्या ही बात है, जबरदस्त। आगे से अरे इधर से थोड़ा सा ले लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं, बड़ा जबरदस्त व्यू आ रहा है। जी जी जरूर। ले ओए होए होए कितना आला है ना, बहुत ही जबरदस्त, ये चीज चाहती थी मैं, बहुत जबरदस्त। ये देखें व्यूअर्स कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है, ये सूरज ग्रूब हो रहा है, मगरिब का टाइम है, और ये इतने जबरदस्त यहाँ पर पहाड़ और इर्द गिर्द ग्रीनरी, तो बस ना क्या ही बात है, इतना इतना पुरसकून माहौल है। रहिएगा, खुश रहिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, और आपको जो भी हमारा आज का ब्लॉग था इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले ब्लॉग में आपके साथ वो सब शेयर कर सकें।